मंदिर है, जे हुणे तुसी इस जगह नूं खाली ना कीता तां सौ मैनूं वाहेगुरु जी दी इन्नियां तुहाडे प्यो ने तां इदां नहीं लाईआं होणियां जिन्नियां मैं लाशां ते ढेर ला दवांगा। जय श्री राम। बाकी सब लोग बाहर जाओ, तुम दोनों यहीं रुको। यही हम बात करते हैं हुजूर, हमारा इस मुल्क में हक है या नहीं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम जीने या मरने की ख्वाहिश रखें या ना रखें। आप लोग तशरीफ रखिए और इत्मीनान से बताइए मसला हुआ क्या है। आइए चाचा। हम सुबह फजर की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे, अभी वजू कर ही रहे थे कि इतने में 20-25 तलवार वाले सरदार हमारे मस्जिद में घुस आए, हमें नमाज पढ़ने से रोका, कहने लगे ये मस्जिद मंदिर के ऊपर बना हुआ है, आप लोग बाहर निकल जाइए नहीं तो हम सबका कत्ल कर देंगे। हम वहां से भागे साहब, नहीं तो सब के सब मारे जाते। बात सिर्फ 25-30 लोगों की नहीं है, सबका यही गुस्सा और सबकी यही इच्छा है। मतलब सब हमारी मस्जिद गिराना चाहते हैं। मस्जिद गिराना कौन चाहता है, लेकिन सब मंदिर बनवाना चाहते हैं हमारी मस्जिद पर। यहां राम जन्म स्थान था वहां, तो हम सब कहां जाएंगे बताइए साहब। खैर, उन 25-30 लोगों ने जो भी किया वो माफी के लायक तो है नहीं। किसी भी धार्मिक स्थान पर हिंसा फैलाना दंडनीय अपराध होता है। अवलदार मुंशी राम जी, जनाब इनकी रिपोर्ट लिखवाओ जी और पुलिस बल तैयार रखो। जी जनाब। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम।